बिहार में यूं तो पर्व और त्योहार हर महीने मनाया जाता है, लेकिन आश्विन मास की शरद पूर्णिमा का अलग ही महत्व है। कर्मकांड पंडितों और ज्योतिषाचार्यों की माने तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस समय यानी कि इस काल को अमृत काल कहा जाता है। इस व्रत को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अश्वी पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा और कौमोदी व्रत के नाम से जाना जाता है। पुराणों की माने तो इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा की एक दूसरी कथा को माने तो इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आती है। कहा तो यह भी जाता है कि जो उस दिन रात में सोया रहता है उसके दरवाजे से माँ लक्ष्मी लौट जाती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी कर से भी मुक्ति दिलाती है। कहते हैं इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। बिहार के मिथिलांचल के लोग इस त्यौहार को काफी उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग रात भर जागते हैं। नवविवाहित पुरुषों के लिए इस दिन त्यौहार का खास महत्व है। मिथिलांचल में शरद पूर्णिमा को कोजागरी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दही, धान, पान, सुपारी, मखाना, चांदी के कछुए, मछली, कौड़ी के साथ दूल्हे का पूजन किया जाता है। इस दिन वधू पक्ष की ओर से दूल्हे और उसके घर के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े, मिठाई और मखाना आता है। कोजागरी पर्व में मखाना का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन दूल्हा पक्ष के लोग अपनी क्षमता के अनुसार गांव के लोगों को निमंत्रण देकर पान सुपारी और मखाना से उनका स्वागत करते हैं। शरद पूर्णिमा धर्म, अध्यात्म और आयुर्वेद की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर और वातावरण के लिए अमृत जैसी लाभदायक है। शरद पूर्णिमा को लेकर ज्योतिषाचार्य का कहना है कि किरणें औषधीय गुणों से युक्त अमृत के समान होती है, इसलिए खुले आसमान में खिल रखी जाती है और सुबह में इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता व इम्यूनिटी बढ़ता है। ऐसे ही रोचक और धर्म अध्यात्म से जुड़ी खबरों के लिए बिहारी न्यूज के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।